मोटोब्लॉग कम्युनिटी की इस भीड़ में दोस्तों कहीं खो न जाना, और ठीक से किसी भी मोटोब्लॉग कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज को समझना हो तो विथ रोहित के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए आज की फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है मोटोब्लॉगर जानू स्टैंड की तरफ से। दोस्तों को पता होगा कि जब जानू स्टैंड पर अटैक हुआ था तो आलियान ब्लॉग्स ने उस चीज से रिलेटेड एक भी वीडियो न यूट्यूब पर पोस्ट किए और न ही इंस्टाग्राम पर। तो अपने आज वाले ब्लॉग में जानू स्टैंड सीरियस पोक किए आलियान ब्लॉग्स को, आप खुद देख लो। सीन ये है यार, उस सीन के बाद ना यार एक चीज मुझे समझ आ गई भाई कि यार आप जैसे लोगों को अपना मानते हो ना, लोग आपको अपना नहीं मानते हैं, ठीक है। कई मेरे ऐसे भाई यार दोस्त हैं जिनको मैं भाइयों का दर्जा देता था, पर उन्होंने साथ नहीं दिया। चलो ऐसा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है गाइज अपनी लाइफ में, तो वो वक्त जो होता है ना ये चीज़ सिखा देता है कि कौन अपने साथ खड़े होते हैं और कौन नहीं होते। तो तीन चार हैं वो अपने साथ हैं हमेशा भाई, साथ ही रहेंगे जो हमारे अपने साथ खड़े हुए। बाकी जो नहीं साथ खड़ा हुआ भाई उसको भाई की तरह मानता था, पर एक बारी वो बंदा नहीं आया। चलो वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन था, ठीक है, कि उस बंदे के बारे में बात नहीं करूँगा। पर भाई दिल से बुरा लगता है भाई जब किसी भाई को, मतलब किसी यार दोस्त को भाई बना लो और वो मुसीबत पर साथ नहीं ना खड़ा हो। गाइस जब मेरा ये वाला सीन हुआ था तो वो बोलते भाई हम बिजी हैं ये वो, पर वो व्लॉग बना रहे थे जाकर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो इनकी तरफ से आज एक व्लॉग आया जिसमें वो अगेन पोक किए आलियान ब्लॉग्स को। बिल्लो एंड ये रही हमारी रानी। इस नाम से कितने फेक है सभी? बहुत सारे, पूरा यूट्यूब भी बिल्लो रानी, बिल्लो रानी सारे भाई। जो भी केटीएम लेता ना बस वो बिल्लो रानी बना देता है भाई, और बिल्लो रानी बना के उसे घुमाते रहते हैं, बट बिल्लो रानी एक ही है यहाँ पे। एंड आमिर अपने ब्लॉग में अपने हेटर्स को रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे। हेटर्स तो यही सोच रहे ना कि कब खत्म होगा भाई, टाइम कब खत्म होगा, एंड ऑल तब से ट्रेंड कर रहा है, तब से चल रहा है, एंड बैक टू बैक चीजें आ रही हैं। अभी तो जलाना बाकी है भाई, अभी बहुत सारी चीजें आ रही है, तुम बस 500 के करो एक बार फिर तुम देखो। एंड आमिर माजिद बताए कि वो बहुत जल्द एक सुपर बाइक लेने वाले हैं, यानी जब उनके इंस्टा पर 500 के फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एक न्यू सुपर बाइक बाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कलम इंक के बारे में। इनको आप सब जानते होंगे, ये जो एक रैपर है एंड ऑल्सो ये यूके जर्सी राइडर के बड़े भाई है, तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गए यूके जर्सी राइडर के फैंस के ऊपर। क्यों? बेसिकली जो उनका मुंबई में एक शो था एंड उन्होंने 25 लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे टिकट, उनके लिए टिकट फ्री में रखे थे जो कि वो लोग रजिस्टर करके ले सकते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो टिकट को फ्री में लेके ब्लैक में बेचने लगे, तो उस चीज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे वो, और वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, आप खुद देखिए। तो एक बहुत जरूरी बात है, जितने भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं 10-15 साल के, मेरे भाई की वजह से, विदाउट इवन नोइंग कि मैं म्यूजिक, व्हाट इज हिप हॉप, मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को अनफॉलो कर दो राइट अवे। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता है भाई, मेरे 1,70,000 से 1,00,000 भी फैन फॉलोइंग आती है इंस्टाग्राम पे, मेरे को यूट्यूब से भी अनसब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, है ना। आई डोंट नो तुम किस लेवल पे होके सोचते हो। मैंने ये सोचा था कि जो मुंबई में जिनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो मेरे टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 25 टिकट्स फ्री देंगे। अब ये जो फैंस हैं जो मेरे को भाई की वजह से फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम वही बंदे हैं, ये यहाँ पे बैठे बैठे बुक कर रहे हैं टिकट्स, तुम उस बंदे की वो अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो जो जिसको सच में ज़रूरत है इस चीज़ की। सो मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या मेरे को पता है तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा दिमाग ही वहाँ पे चल रहा है। सो प्लीज़ अनफॉलो मी राइट अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम यूट्यूब, कहीं पे भी ना प्लीज़ अनफॉलो मी, एंड ये उन तक जाने दो जिनको सच में ज़रूरत है भाई। मैं बहुत लिमिटेड टिकट्स बचे हुए हैं मुंबई शो के, माई टीम इज़ कॉलिंग यू, जितने भी बंदे का सिलेक्ट हुए थे जेन्युइन बंदे रिप्लाई करना, हमें पता नहीं 2-3 हज़ार बंदों ने बुकिंग करा रखी है, बट आई विल ट्राई टू गेट रीच एवरी वन आउट देयर, एंड प्लीज जेन्युइनली बोलना, उन बंदों का हक मत छीनना जो सच में जरूरत में। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते रहते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7-1-2-1 कस्टमर सपोर्ट है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और iPhone 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिविज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो रिसेंटली बसरत बाबा ब्लॉग्स के साथ सिद्रा में ट्रैफिक पुलिस वालों ने कुछ ऐसा सीन किया था, तो अपने आज वाले ब्लॉग में राजा डीसी इस पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहे। तो भाई आजकल ना काफी ज्यादा नाके वगैरह लग रहे हैं भाई जम्मू में, तो भाई बाइकर्स की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। मुझे भी भाई ऐसा लग रहा है कि बाकी जो क्रिमिनल्स वगैरह ना भाई उनके लिए इतना टेंशन नहीं जितने भाई मोटो ब्लॉगर्स के लिए, तो भाई खुद भी बहुत बच के चलना पड़ता है और अपनी बाइक को भी बहुत बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि भाई जिसके हेलमेट के आगे पुलिस वालों को भाई कैमरा दिख गया ना वो किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। ब्लॉगर्स को देखता हूं जो गाइस बिल्कुल मतलब बिल्कुल आस्था चलाते हैं, उनको तो स्टंट का पता भी नहीं है, उनको भाई उनके पास सब कुछ भी होगा ना, बट फिर भी गाइस उनकी बाइक सीज करेंगे। कल मैंने एक वीडियो देखी बंदे की, भाई उसको रोड पे फेंका, भाई इसी हिसाब से फेंका जैसे मूवी का शूट होता है ना कि भाई क्रिमिनल आ रहा है तो भाई आगे सब कुछ फेंक दो, वो बैंक लूट के आ रहा है, तो भाई ऐसा उस बंदे के साथ हुआ, भाई उसको इसी हिसाब से भाई फेंका ना रोड पे और भाई किसी ने उसको उठाया था, तो भाई इस चीज के लिए ना बहुत बुरा लगता है। लास्ट अपडेट हम बात करने वाले हैं लीगल बंजारा के बारे में। उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रॉमिस करते हो कि सुपर बाइक आएगी, बट कोई सुपर बाइक नहीं आ रही है। मेरे वीडियोस में तो लोग कमेंट करने लगते हैं कितने दिन से ये गाड़ी कह रहा है, वो गाड़ी कह रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। मतलब यार
उन लोगों को शायद पता ही नहीं है, वो लोग अभी अनजान है या बच्चे हैं छोटे छोटे, कि गाड़ियां बुक कराई जाती हैं। गाड़ियां बुक कराने के बाद भी टाइम लगता है कुछ महीनों का आने में, जैसे कि मेरी टेनार में मैंने दिसंबर में बुक कराई थी और वो मार्च में आई, तो उसी तरह कुछ बाइकों में टाइम लगता है। तो गिव मी सम टाइम एंड आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि कौन सी बाइक आ रही है, कौन सी बाइक फर्जी मैं बोल रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।